Good morning, my dear student. Most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 9th class, today I am teaching you about a narration के बारे में बता रहा हूँ. I have taught you some. In last video मैंने आपको कुछ बता दिया है. I have taught you about the changing in verb. Changing verb चल रहा है, इसमें rule number first पढ़ा दिया, second पढ़ा दिया, third चल रहा है. Third में भी कुछ sentence हो गए हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि rule number third के जैसे कि he said, उसने कहा, राम has done it. तो he said का he said रहेगा. ये remove करने के बाद that लगाएंगे. राम has का past में जाएगा तो had हो जाएगा. Had done it. इसके बाद देखिए चौथा. ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल देते हैं. जैसे कि कोई एग्जांपल लिखता हूं, आई सेड तो आप देख रहे हो हैज बीन हैव बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसे हम पास्ट में बदलेंगे तो ये हेड इन कर देंगे. तो इसका क्या हो जाएगा, आई सेड टू टोल्ड हिम, इस मूव करने के बाद दैट का यूज करेंगे. द सी हैज का हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स. इस तरीके से हो गए. दी आर द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है. आप देखा प्रेजेंट जितने भी होते हैं वो पास्ट में जाते हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. आफ्टर दैट पास्ट टेंस, पास्ट के भी फोर बताएंगे आपको. पहला देखिए पास्ट इंडेफिनिट, ये टेंस होता है, इसे हम पास्ट को पास्ट ही रखेंगे. पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है. जैसे कि ही सेड टू अस, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया. तो परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं बी3. तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड अस That he, अब इसमें helping verb had of third form gone to school, वो स्कूल जा चुका है. इसके बाद दूसरा देखिए past continuous, past continuous हम कैसे बदल लेंगे, past perfect, past perfect continuous कैसे बदल लेते हैं. कोई सेंटेंस लिखता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, सी बाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही थी. तो आप देखते हो पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में बाज वर्ब लगाते हैं, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में बाज वर्ब में हेड बीन बदल जाता है, हेड बीन हो जाएगा. इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई सेड दैट सी, और इसे हेड बीन कर दो, सी हेड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग लाइक दिस. इसी प्रकार से थर्ड देखो, थर्ड में क्या होता है, अब आपके दो चेंज पास्ट में होते हैं खाली, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपके दो बचे हुए कौन कौन से, पास्ट कंटिन्यूअस ए सॉरी पास्ट परफेक्ट
एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। हम आपको बताएंगे खाली ऐसे कि और लिखता हूं राम सैड सी हैड बीन डूइंग डूइंग द वर्क सिंस सुबह से काम कर रही हूँ। तो देखो हेड लगा था, हेड नो चेंज हो गया इसमें, हेड इसमें क्या हो जाएगा, खाली ही साइड का साइड रहेगा, ये टैट लग जाएगा, ये इधर आ जाएगा और हेड हेड डन का बैठी रहेगा। इसी प्रकार इसमें देखो ये चेंज होगा, साइड टू है तो ये टोल्ड हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा राम टोल्ड मी, नीचे तक ले जाना दैट सी हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा, हैड बीन और डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग ऐसे ही रहेगा। आपके थ्री रूल हैव बीन फिनिश्ड है, द नेक्स्ट रूल आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, रूल नंबर 4, उसमें फ्यूचर के होंगे और मॉडल्स होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।